श्री लहर सिंह सिरोया, यू आर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी आपका। मैं बजट के बात करने के लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था, काफ़ी बातें कही जा चुकी है, लेकिन एक बात और मुझे विशेष आपत्ति है। हाँ, इधर देख कर लहर सिंह जी, इधर देख कर। हमारे एक सदस्य जो भी सरासर असत्य बोल करके गए हैं, सदन को गुमराह करके गए हैं, उसके लिए मैं विशेषाधिकार नोटिस देना चाहता हूँ। और अब वो सदन हमारे लोगों के कहने के बावजूद भी चले गए। उन्होंने ये कहा है कि मनरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में हमने 86,000 करोड़ रुपया प्रावधान रखा है, 86,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। उन्होंने ये बिल्कुल असत्य कहा है। और अगर सदन को इसी से तरह से गुमराह करना है तो इन लोगों का बोलने का मतलब क्या है? तो इसलिए मैं चाहता हूँ विशेष इनको बुलाया जाए और उन पर विशेषाधिकार का उनको नोटिस दिया जाए। और तब तक उनको सदन में दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी, सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। प्रियंका चतुर्वेदी, ये सदन की अवमानना है। आई विल नॉट टॉलरेट एनीवन इंटरवीनिंग। दिस नहीं किया जा सकता। ही इज सेइंग इट, ही सेज ही विल ब्रिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस आल्सो। टेक योर सीट। नो, यू डोंट हैव टू मेक इट अ रेसलिंग मैच। नो प्लीज, नो, गो अहेड एंड यू कैन टेक रिकोर्स टू रूल्स। आपने एक कहावत कही थी कि पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़ जाट, पढ़ा लिखा बराबर। अध्यक्ष जी, सभापति जी, हाँ, लेकिन हम इन पढ़े लिखों को क्या कहें? जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जानबूझकर असत्य बोलता है, सदन को गुमराह करने का कोशिश करता है, इसका मतलब ये सदन का उपयोग इसलिए करना चाहता है कि वो देश को गुमराह कर सके। तो ये मेरा है। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने। और एक बात सुन लीजिए, इट इज माय प्रिविलेज टू लुक एट एवरीवन, बट स्पीकर हैज टू लुक एट मी ओनली। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मेरा सौभाग्य है कि आप विराजमान हैं और आप मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं पुनः एक बार आपका आभार मानता हूँ, क्योंकि मैं आवेश में आ गया था कि उस सदन को गुमराह करने की जो बात थी वो मुझे बहुत चुभी थी। मैं इस बजट का मैं क्योंकि मैं कर्मचारी भी रहा हूँ, छोटा दुकानदार भी रहा हूँ और मध्यम श्रेणी का व्यापारी भी रहा हूँ, तो इस बजट को मैंने अच्छे से पढ़ा है और मैंने इस बजट को जिया है। इस बजट की प्रावधानों को मैं समझता हूँ। इसके लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था। मैं बताऊँ कि मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, इसमें महिलाओं के लिए कितना उसमें कहा गया है, लेकिन मैं इतना समय अब आप मुझे देंगे नहीं। और मुझे दुख इस बात का होता है कभी कभी, हमारे आदरणीय खड़गे जो आज भी नहीं है, उन्होंने भी शायद बजट नहीं पढ़ा और इन्होंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उनकी बातों का खंडन तो राजीव शुक्ला जी और अखिलेश कुमार सिंह जी कर चुके हैं। और मुझे जो ये कांग्रेस जो है ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब ये ब्रांड न्यू पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, क्योंकि अब ये मार्गदर्शन जिनसे ले रहे हैं, भगवान इनका भला करे, अब ये कौन कौन इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं और कौन कौन इनको वेल में खींच के ला रहे हैं, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ये चरित्र नहीं हो सकता। जबकि चिदंबरम जी, दिग्विजय सिंह जी, सदस्य प्रमोद तिवारी जी, मान्य सदस्य, आप अपने बजट भाषण पर फोकस कीजिए प्लीज। सर, ये मैं बजट की बात कराता हूँ। आदरणीय खड़गे जी ने ये कहा था कि दो ही राज्यों को ये दिया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया है दो राज्य के नाम, और बाकी उन्होंने कुछ और नाम गिनाए, इनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ मिला। शायद वो भूगोल का पाठ रट रहे थे कि कहाँ कहाँ वो सत्ता खो चुके हैं, तो इसलिए उनको वो सदस्य याद आ रहे थे, वो नाम याद आ रहे थे, उनके जहन में वो नाम छाए हुए थे। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि अब जब उन्होंने ये कहा तो मैं कर्नाटक को लेकर के कहना चाहूँगा कि कर्नाटक में हमारी सरकार ने क्या किया है।
राजस्थान तो बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। नहीं नहीं, रणदीप सुरजेवाला जी भी राजस्थान गए हुए हैं, हरियाणा से प्रमोद तिवारी जी भी राजस्थान गए हुए हैं। ये पूरा देश एक है। कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक की बात है ये, और मैं समझता हूँ आदरणीय खड़गे जी कर्नाटक की बातों को समझ जाएंगे जल्दी, इसलिए मैं कर्नाटक का उदाहरण दे रहा हूँ। कर्नाटक में जो आवंटन हुआ था स्टेज वाइज आउटले ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट, एक उदाहरण देना चाहूंगा, रेलवे के बारे में बातें कही गई। कर्नाटक में 2009 से 14 तक में ईयरली एवरेज बेसिस पे 835 करोड़ रुपए 835 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए थे 2009 से 14 में एवरेज ईयर में, और हमारी सरकार ने किए हैं एवरेज ईयर में 2023-24 में क्या एक साल में 7,561 करोड़। आप देखिए 9 गुना 9 टाइम्स, और इस बजट में और भी बढ़ा करके 7,559 करोड़ रखा है रेलवे का बजट में। क्या ये कर्नाटक को नहीं गया है आदरणीय सभापति जी? और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टैक्स का जो सिस्टम जो है, आप ज़्यादा समझते होंगे, मेरे सदन के साथ ही समझ जाएंगे। टैक्स रिवोल्यूशन का जो है 2004 से 14 तक 10 वर्षों में 81,000 करोड़ दिया गया था, 81,000 करोड़, आप सब समझ लें और हमारे विपक्ष में समझ लें। और 2014 से 24 में 10 वर्षों में 2,95,000 करोड़, 2,95,000 करोड़ रुपीस दिया गया। और दूसरी होती है ग्रांड एड फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें ज़्यादा मैंने समझता नहीं हूँ लेकिन आंकड़े देख रहा हूँ मैं। उन यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 60,779 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था 10 वर्षों में, और हमने 10 वर्षों में किया 2,36,000 करोड़। कंपेयर देखिए आप, कहाँ 60,000 कहाँ 2,36,000 करोड़। ये कर्नाटक के बारे में बता रहा हूँ, और महाराष्ट्र के बारे में तो अब बाकी लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। और ये जो रिलीज अंडर स्पेशल असिस्टेंट, सर रिलीज अंडर स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कर्नाटका, वो 2020-21 में 305 करोड़ था, 2021-22 में 452 करोड़ हुआ, और 2022 में 3,399 करोड़, 3,399 करोड़, और 2023-24 में 3,879 करोड़, और 2024-25 में 2,006 करोड़, और ये उसमें कुल मिला के हमने 10,000 करोड़ रुपये दिए हैं। ऐसे मेरे पास में आंकड़े बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत आपका समय लूँगा तो ये मैं आंकड़े उनको देना चाहूँगा, जयराम रमेश जी जो मेरे साथ ही राज्यसभा में आए हैं, ताकि वो उनको देखें, उनको ये उनका भ्रम दूर करें खड़गे जी का। लेकिन एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, अभी है 6 मिनट, मैं मेरे समय की सीमा में रहना चाहूँगा सभापति जी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूँ आंकड़ों में। कर्नाटक के मेरे पास में कम से कम 25 और आंकड़े हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा जो मेरे बहुत दर्द होता है, मेरे दिल को बहुत दुख होता है, और मेरे आदिवासी भाई जो बैठे हैं वो विशेष रूप से इस बात को लेकर के दुखी होंगे कि आदिवासियों के लिए हमारी सरकार ने 1,24,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है पूरे देश में। गए वर्ष ये 1,19,000 था करोड़ का आंकड़ा था, 1,19,796, अभी ये 1,24,909 की एसटी समुदाय के लिए, मैं एससी की बात नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, जब बजट बनता है, बजट में हम चर्चा करते हैं, तो ये हमारा केंद्र का ये दायित्व हो जाता है कि ये जो एसटी और एससी के लिए जो दिया गया पैसा, वो संबंधित राज्य उसका सदुपयोग करें। अब आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्टेट का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक और किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन जो डेवलपमेंट कमीशन बना था वाल्मीकि के नाम पे कर्नाटक में, और उसमें 188 करोड़ रुपए बैंक से ऐसे ही उठा लिए गए, ऐसी धोखाधड़ी आजाद देश के इतिहास में कभी नहीं हुई, जी में नागरवाला केस में भी नहीं हुआ, वो कुछ लाख रुपए लेके गया था, बैंकों से पैसा उठा लिया गया 188 करोड़ रुपए, और वो उजागर कैसे हुआ, वो जो अकाउंट्स ऑफिसर जो था जिसके हाथ से काम कराया गया था,
और उसको लगा कि मैंने बहुत गंभीर अपराध कर लिया है, तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और उसने 6 पेज का नोट लिख के गया। उसका मंत्री उसमें जेल में है और उसमें बैंक वाले जेल में है, अब CBI इंक्वायरी कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि ये पैसा उसमें 19,000 करोड़ का तो शराब ली गई, जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सभापति जी, और मैं जो तो उन गाड़ियों के नाम भी याद नहीं आते, मैं तो गांव का आदमी हूँ, लंबोर्गिनी क्या बोलते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ, लंबोर्गिनी या ऐसा कुछ बोलते होंगे, हम तो लंबोर्गिनी कहेंगे, तो 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ उस पैसे से खरीदी गई, और 15 किलो सोना खरीदा गया सभापति जी, उसमें 10 किलो सोना परसों ईडी ने सीज किया है। तो जब ये हम ST के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, और खड़गे जी जो दलित नेता हैं, मैं तो उनको सबका नेता मानता हूँ, कर्नाटक में उनके बड़ा योगदान है, परसों आप इनके हमारे निर्मला जी के लिए कह रहे थे कि माता जी, तो माता जी कहा तो छोटी उम्र में, फिर भी हमारे कर्नाटक में कहते हैं, छोटी बहन को भी अक्का बड़ी बहन कहते हैं, तो कोई उम्र ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी माता के लिए कहा कि मैं उनकी वजह से हूँ, तो मैं उनको खड़गे जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि माता जी तो आई है 99 में पॉलिटिक्स में, और उसके पहले तक वो 5-6 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके थे, 6-7 बार MLA बन चुके थे, तो वो रहा ये ठीक है, फिर भी उनकी इच्छा है, वो किसी को भी श्रेय दे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये यहाँ पर रोज ज्ञान बांटते हैं, रोज बातें करते हैं, हर आए रोज मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अपनी राज्य में सही स्थिति पैदा करें, और जब ये मोरल हाई ग्राउंड्स में लेते हैं तो क्या उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मेरा ये सीधा आरोप है सभापति जी, ये पैसा अगर एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बिना किसी अवरोध के अगर काम करेगी, तो ये पैसा दिल्ली के चुनाव में खर्च में आया हुआ पैसा है, साबित हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। The word is deleted. मैं इस पर कायम हूँ। अगर मैं ये बात मेरी असत्य होती है तो मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा। ये पैसा अगर जांच करेंगे, ये पैसा दिल्ली आया है, किन किन माध्यम से आया है, आंध्रा के और तेलंगाना के बैंकों में पैसा गया है, किन किन खातों में पैसा गया है, अगर इसकी जांच होनी चाहिए, और उस जांच के लिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और फिर जांच कराएं और जांच एजेंसी के साथ में सहयोग करें। प्लीज कंक्लूड नाउ। हाँ नहीं सर, दो मिनट सर, प्लीज सर, मैं बहुत सीमित रख रहा हूँ, मैं अपना बहुत सीमित रख रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट मैं, हाँ, और ये गारंटियों में जो पैसा SC के समुदाय का पैसा, ST समुदाय का पैसा, वो भी गारंटी में डाइवर्ट हो रहा है, और SC पर हमने जो 1,65,00,000 रुपये हम बजट में तो अलॉट करते हैं, लेकिन SC का पैसा साबरांत महिलाओं को फ्री बस राइड के लिए उपयोग किया जा रहा है, अलग अलग गारंटी में उपयोग किया जा रहा है, बिना किसी BPL लाइन के, तो ये हमारा भी ये देखना सरकार का फर्ज बनता है। अभी मैं एक लास्ट पॉइंट कर रखूँगा कि RTA के लिए मैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस मेरे साथी रहे और मैं यहाँ आने में उनका भी कहीं कहीं वाया मीडिया आशीर्वाद रहा है, तो कांग्रेस को एक बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि RTI का जो है 2005 में, मैं सोनिया गांधी जी को श्रेय दूंगा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने RTI एक लागू किया, ये बड़ा एक गेम चेंजर था देश में। लेकिन हुआ क्या, एक RTI मैसूर में कुछ लोगों ने RTI लगाई और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या निकला सभापति जी, उस डॉक्यूमेंट में ये निकला कि वो एक डेढ़ एकड़ जमीन किसी दलित की थी, जमीन का मालिक मर चुका था, और जमीन का मालिक जब मर चुका तो उसके भाई के बच्चों ने वो मुख्यमंत्री के साले के नाम पे वो जमीन बेची, और उसके बाद में वो जमीन भाई ने मुख्यमंत्री की पत्नी को गिफ्ट कर दी, और उसके बाद में वो डोनेटिव होकर के उसके कंपनसेशन में मैसूर शहर के बीच में 14 प्लॉट, बड़े बड़े प्लॉट जो है, जो करोड़ों के संपत्ति हैं, और हाँ, और जब ये विवाद खड़ा हुआ, ये आरटीआई बैठिए मेरे पास नहीं,
मेरे पे डाक्यू नहीं। ऑनरेबल मेंबर नहीं, बट नीरज जी आप उनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? डॉक्यूमेंट में और हो क्या रहा अध्यक्ष जी, हो क्या रहा अध्यक्ष जी, आरटीआई वालों को बैठिए। दिग्विजय सिंह जी प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज he is making a specific charge point of order against the chief minister. If he has to, he has to follow the rules, and the rules are that he has to give in writing in advance to the chair. Has he given in writing to the chair, sir? Please give your ruling. Sir, Digvijay Singh ji has raised a very important point of order. This is already pending for my consideration, but with respect to this, Lahir Singh ji will authenticate all the documents. Sir, meri ek bhi baat asatya ho to main sadan mein nahi aaunga kabhi, agar meri ek bhi baat asatya ho. Sabhapati ji, मैं कहना चाह रहा हूं कि और उन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर ये साइट नहीं देते हो तो मुझे इसके एवज में 64 करोड़ रुपीस दिया जाए कंपनसेशन। एक मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार से 64 करोड़ का मुआवजा मांग रहा है, अनसीन है। इंदिरा गांधी जी ने पूरी अपना आनंद भवन दान कर दिया, और एक ये मुख्यमंत्री है जो ये अपने कंपनसेशन मांग रहे हैं। और सभापति जी इन और कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर, कंक्लूड कर रहा हूं। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी लाए आरटीआई के एक्ट को, और आरटीआई का जो कंसेप्ट था, आरटीआई का जो उनका मनोबल मनमानस था, उसकी हत्या कर दी गई है, और आरटीआई एक्ट उसको अरेस्ट किया गया है मैसूर में। उनके नाम लेता हूँ, गंगराजू और स्नेहमणि कृष्णा, इनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है। और वहां पर जो और इन और जो उस एजेंसियां जांच कर रही है उन श्री इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया। सर माय टाइम नहीं नहीं पॉज माय टाइम सर, इमरान प्रतापगढ़ी कहा गया है सर, थोड़ा सा इसकी जांच कराओ। नहीं नहीं, मैंने कहा यहाँ प्रमोद प्रतापगढ़ी भी बैठे, ये आपसी मामला है, ये खत्म होने वाला नहीं है मेरे से। इसकी जड़ें बहुत गहरी गई हुई हैं, मैं रोज देखता हूँ ये जड़ें गहरी होती जाती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय, 83 मिनट